72 चैनल में आपका स्वागत है खुर्शीद भाई. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप दरगाह आलिया नजफ शरीफ में, जो कि पूरा जो हिंदुस्तान की मशहूर बारगाह है. काफ़ी सालों से, बरसों से आप ये जुड़े हुए हैं जगह को लेके. तो पुरानी कमेटियों में और इस कमेटी में क्या डिफरेंस लग रहा है कि ये कुछ बेहतर कर पाएगी, आपका क्या रिएक्शन? कमेटियों में और आज की कमेटी में फर्क ये है, ये जो है तो अभी काफ़ी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. मौला चाहता है उस हिसाब से अब चल रहे हैं. और बहुत ज़्यादा वो रही दरगाह पर जाकर बोलने दिया गया, बल्कि अपना बोल गया योजना जिलों में लागू लेकर काम हो रहा है. देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी नौहा खान हो या मर्सिया खान हो या कोई भी हो, अगर वो जो भी दिल से जो भी चीज़ करता है उसमें असर होता है. मार्फत, यकीन और भरोसे के साथ में होना चाहिए. रही मैं, बस ये मेरा अपना मिजाज है कि कहीं कोई गुरूर ना पैदा हो जाए, घमंड ना पैदा हो जाए. इस वजह से मैं बिल्कुल साधारण ज़िंदगी अपनी जीता. बच्चों से बस यही कहना है कि ये जो मैंने बहरहाल पूरी एक ज़िंदगी खिदमत की है और पूरी मार्फत के साथ की है, तो बच्चों से भी ये कहता हूँ कि अपना इसे जो है इसी हिसाब से आप लोग बढ़ाना आगे. यही मेरा अपने बच्चों से कहना है. और बहरहाल अपने वतन की मोहब्बत तो 50% ईमान का जूज है, तो वतन से मोहब्बत तो बिल्कुल ज़रूरी है. कुछ नसीहत करते हैं बच्चों, कुछ सिखाते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए. आज के मॉडर्न माहौल में आपने बहुत सादगी के साथ में ज़िंदगी गुजारी, कुछ बच्चों को राय देते हैं, कुछ सिखाते हैं? बस मेरा उनसे भी यही कहना है कि मार्फत, यकीन और भरोसे के साथ में पूरा, और बतौर सवाब, क्योंकि इसका अज्र तो अल्लाह और जनाब फातिमा जहरा से इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा. पूरा यकीन और भरोसा है हमको. आप तो अपने दो शायरी में या नौहों में दो लाइन कोई भी जो आपके दिल के सबसे करीब हो, जिससे आपको रुजियत मिली हो, कोई ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी होती है जो उसके उस चीज़ से पहचाना जाता हो इंसान, तो कौन सा ऐसा नौहा है, कौन सा ऐसा पता है जो आपके दिल के सबसे करीब हो, आज हमारे दर्शकों को बताना चाहे या सुनाना चाहे, तो दो लाइन से? एक नौहा मैंने बहुत, मतलब ये अपने आगाज़ में पढ़ा था जब मुझे मैं नौहा खानी में आया था, तो उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ. वैसे मुझे ए बाबा कहाँ हो, सकीना पुकारे,
اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے، جدائی میں دن کس طرح سے گزارے، اے بابا کہاں ہو سکینہ پکارے۔ یہ بالکل غلط ہے جو ہمارے مرجع کو اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے، یا جتنا بھی جو کچھ اخباری ہے جو کچھ ہے، میں اس سے بالکل جو ہے اسے بالکل ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اور اگر حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اس حساب سے تو یہ سب ہوگا، لیکن اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے، جو اہل بیت نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو بالکل بالکل کنڈم کرتا ہوں۔